I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. Happy anniversary. तुम्हें भी। वैसे ये केक काटने का प्रोग्राम तुमने रात को क्यों नहीं बनाया? तुम्हें पता है ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कुछ इस तरह, कसम से। And you can't afford to miss them, है ना? मिस तो तुमने कर दिया। क्या? अच्छा मेरी एनिवर्सरी गिफ्ट कहाँ है? तुमने बहुत दर्द हुआ होगा ना? थोड़ा सा, लेकिन तुम्हारे प्यार ने पेन किलर का काम किया। हाँ, अगर तुम्हारा नाम पुष्पांजलि लक्ष्मी होता तो ज्यादा दर्द होता। अब मेरा गिफ्ट का है? ये रहा तुम्हारा गिफ्ट, स्कूबा डाइविंग सूट। तुम फिश इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो ना, तो मुझे लगा क्यों ना तुम उनकी दुनिया एक्सपीरियंस कर लो। चलो अभी पहनकर देखो, लेट्स गो स्कूबा डाइविंग। अरे नहीं नहीं तुमको तो पता मुझे पानी से प्रॉब्लम है, और वैसे भी पानी बहुत ठंडा है आज। Help! 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 अरे गोपाल कोई डूब रहा है। गोपाल पानी कैसा था, ठंडा या गरम? किसी ने धक्का मार दिया मुझे। और दबे, अबे। धक्का तो तुमने दिया है मुझे। ये क्या है? इसलिए तुम्हें दर्द नहीं हुआ ना? शुरू शुरू में हुआ था, बहुत दर्द हुआ था, मैंने कोशिश की थी, उसके बाद फिर मैंने स्टिकर लगा लिया क्योंकि मैं तुम्हें खुश रखना चाहता था। और तुम खुद स्टिकर की तरह लड़की से चिपक गए। तुम नहीं सुधरोगे। एकता, एकता। ये एपिसोड तो भारी पड़ गया। शट अप, बहुत हो गया। पानी गले के ऊपर चला गया है। गले से नहीं सर, सर के ऊपर। शट अप सावन, द बॉस इज ऑलवेज राइट। वो देखो क्या है? हाँ? जैसे लोटे लोटे से सागर बना है। सर बूंद बूंद से। शट अप गोपाल, द बॉस इज ऑलवेज राइट। यस सर। वैसे ही फिश फिश से मेरी यानी कि बबलू पचीसिया की ये गोल्डन फिशरीज बनी है, और आज मुझे क्या पता चला दैट वी आर गोइंग थ्रू अ लॉस, और वजह तुम लोगों की लापरवाही। तुम लोग मुझे सड़क पर रख दोगे,
मुझे क्या बना दोगे? वो दर्जी, वो दर्जी का कुत्ता, ना घर का ना स्कूल का। नहीं नहीं नहीं, गलत बोले, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। सर शट अप जी, द बॉस इज ऑलवेज राइट। यू नो, मैंने फाइंड आउट किया है कि हमारे पुराने स्टाफ में से कुछ लोग फिश और लॉबस्टर की चोरी कर रहे हैं। यहाँ तक कि पीटर और पाली ने अपनी गली में अपना खुद का स्टॉल खोल लिया है, प्रॉन्स कॉर्नर। इसलिए मैंने फैसला लिया है। नहीं सर, सर कंपनी मत बेचिए सर। सर अगर कंपनी बिक रही तो मैं एसएमएस कर देता हूं। यू मिस्टर सुबोध, मेरा जब तक तब तुम्हारी उंगलियां चलती रहती हैं, तुम्हारी पूरी पगार तो एसएमएस में चली जाती होगी। बिल्कुल। व्हाट वाज आई सेइंग? हां, आई एम गोइंग टू फायर द ओल्ड स्टाफ एंड हायर न्यू पीपल। सारे के सारे वेजिटेरियंस, ना रहेगी बस, ना आएगी बदबू। करेक्ट। लेकिन सर, अनएक्सपीरियंस लोगों को काम पे रखेंगे तो? नो मोर डिस्कशंस। तुम और गोपाल स्टार्ट ट्रेनिंग फ्रेश न्यू टैलेंट। कोई पुट्टा नहीं चाहिए। स्टाफ फिट होगा, कंपनी हिट होगी, एंड दैट अप्लाइज टू द थ्री ऑफ यू। गुड नाइट। गुड नाइट सर। सुना गोपाल, द बॉस इज ऑलवेज राइट। शाम तक नए रिक्रूटमेंट स्टाफ की लिस्ट मेरे पास होनी चाहिए। मेक इट क्विक और इससे दूर रहकर। सुना, बॉस इज ऑलवेज राइट, शाम तक लिस्ट चाहिए। रेडी है सर। ए हेलो, लिस्ट मैं दे दूं? आप रात में माल के साथ पार्टी हैं? कौन सा माल? ओ बेटा, कौन सा माल? जिसके साथ बी वॉच का लौंडा बने मछली डांस कर रहे थे। डॉक का इंचार्ज कौन है? मैं हूँ। बोलिए। इंस्पेक्टर माधव सिंह घाई, आपकी तारीफ हर कोई करता है। गोपाल कुमार संतोषी। नाइस मीटिंग। क्या है कि हमारे इन्फॉर्मर्स ने हमको बताया है कि आप लोग मछलियों के साथ कोकेन और हेरोइन भी एक्सपोर्ट करते हैं। इट्स प्रॉफिटेबल बट इट्स इलीगल, है ना? मुझे लगता है आपके ये जो इन्फॉर्मर्स हैं, अच्छा, ये सब ये ड्रग्स लेते होंगे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए मैं जाऊंगा, पर आपके शिप की पूरी तरह से छानबीन करने के बाद। सर्च वारंट है? सर्च वारंट दो साहब। साहब देना साहब। क्या? सर्च वारंट भूल गया, सॉरी साहब, भूल गया। तो इसको क्या नाना नानी पॉक समझकर जॉगिंग करने आए थे? नहीं। चलो निकलो। देखिए आप एक पुलिस, मैं आऊंगा वापस। I'll get back। अरे सर की पप्पी किसको दे रहा है? मैं बॉरल लेके आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। You be ready, समझे? Security, निकलो यहाँ से। Get inside everybody। चलिए इधर, psycho। छोड़िए सर, wacko। निकलो सर, छोड़ो। पागल, पागल है। ये स्टाइल है तुम्हारा वो? यू नो, आज मिसेस भुजवाला की पार्टी है, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आने वाले हैं, मुझे और हमेशा की तरह I want to look different, you know. Ah. Oh, come on, John. Hey, Lucky, you know something? Miss India contest में मेरी direct entry हुई थी। लेकिन उससे पहले मेरी शादी हो गई। मेरे husband ने कहा इस contest में participate करने की तुम्हें क्या जरूरत है? Because you are different. Hey, girl. Lucky. तेरी वाली gym से निकल चुकी है। वाह लकी, तू तो दुनिया को लुक देता है, तेरे को लुक दे रही है। तू जाके बात क्यों नहीं करता? करना करना। ये भी सही है, जब उसका पता चलेगा कि तुम्हारा स्पीकर फटा हुआ है, ये लुक भी तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। अबे लकी,
आग तो तुम दोनों के बीच लगी है, धुआं उधर क्यों निकल रहा है? या उधर मेरा तो फेस ही ऐसा है जिस पे कोई भी हेयर स्टाइल सूट होता है. यू नो व्हाई? बिकॉज़ यू आर डिफरेंट. अबे तेरे को अकल है क्या? क्या क्या तू क्या क्या तूने बाहर चला दिया? जल्दी कर दे. फिक्र मत करिए, मैं हूं ना आपके साथ. रिलैक्स, अब होल्ड माय हैंड. मैं हूं, रिलैक्स रिलैक्स. आए आ अरे लकी, डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? ओ आ ए आ आए क्या तेरी जीजू को हेयर कट चाहिए? हां पिछले हफ्ते तो लिया था. ए ओ ओ आ आ आ ओ आ ओ आ ओ यू यू. Like this. Keep your arm up. Look up. Very good. Gopal, ये सब क्या लगा रखा है? Power yoga baby. पता नहीं तुमको? रोज तो पेपर में छपता है. Actually मेरे कंपनी के MD ने सब अनफिट लोगों को निकाल दिया है. अब मुझे तो फिट रहना पड़ेगा, वरना I lose my job. हाँ. ट्रेनर भी लड़की मिली तुम्हें? Get out. कल से तुम्हें आने की जरूरत नहीं है. अरे एक ये तुम गोपाल, काम दिमाग से होता है, बॉडी बनाने से नहीं. और सुन लकी, नो हेयर कट, नहीं तो बोलती बंद कर दूंगी तेरी. सच तो ये है कि यू वांट टू बी फिजिकली फिट क्योंकि तुम्हें अपने फिजिकल रिलेशनशिप्स का टीआरपी बढ़ाना है. ए जीजू के चमचे, चलो यहाँ से. भाभी क्या हुआ? अपने भैया से पूछ. भैया क्या हुआ भाभी को? सीरियल, एक्स्ट्रामैरिटल, टीआरपी. जिसने भी इसकी बहन का नाम एकता रखा ना, करेक्ट रखा है. ए क्या हाल कट. अच्छा भैया मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ. तुम कहाँ जा रही हो? फ्रेंड के साथ कॉफी पीने जा रही हूँ. ईशा, जितनी कॉफी तुमने कॉफी शॉप में अपने फ्रेंड के साथ पी है ना, उतने की हम लोग कॉफी शॉप खरीद लेते. कल अपने फ्रेंड को घर बुलाओ. ठीक है भैया, मैं कल ही बुला लूंगी. थैंक यू, बाय. ऐसे कैसे चलेगा जिगना? हमारा तो काम ही फिश, क्रैब्स और लॉबस्टर्स को एक्सपोर्ट करना है, और तुम इन्हें टच करने को भी तैयार नहीं हो. ये सब मामले में मैं थोड़ी टची हूँ सर. यू नो आई एम प्योर वेजिटेरियन सर. जॉब चाहिए तो यू हैव टू डू दिस. भाभी जी आप यहाँ? गोपाल के फेवरेट रेस्टोरेंट से खाना लेकर आई हूँ. आई वांट टू गिव हिम अ सरप्राइज. अच्छा चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ. इसे टच करो प्लीज सर. I can't do this. Come on, Jigna. तुम अपने बॉस की बात नहीं मानोगी. तुम इसे टच करोगी तो मुझे अच्छा लगेगा. चलो एक काम करो, अब तुम अपनी आंखें बंद करके इसे छू लो. डर निकल जाएगा. Okay. Okay, चलो. Come on, come on. कैसा लग रहा है? गुदगुदी सी हो रही है. देखा, और तुम ऐसे ही डर रही थी. लेकिन लेकिन सर, अगर अगर मेरे फियांसे को पता चला कि मैं ऑफिस में ये सब कर रही हूँ तो मेरी एंगेजमेंट टूट जाएगी सर. जिगना, मैं भी शादीशुदा हूँ. मैं थोड़ी चाहूंगा कि किसी की शादी टूटे. कल फिर से ट्राई करेंगे फुल कॉन्फिडेंस से. ओके ओके सर. कैचिंग प्रैक्टिस करवा रहे थे गोपाल. अरे एकता, हाँ वो बेचारी को नौकरी की. शट अप. मिहिर बिरानी और बालिया के कदमों पे चलने लगे हो तुम. ये लोग कौन है? डोंट चेंज द टॉपिक गोपाल. और कितनी जिगनाओं के साथ अफेयर है हाँ तुम्हारा? बोलो. सुबह शाम यही करते हो ना ऑफिस में, जो लड़की मिली शुरू हो जाते हो. अरे मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात. कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास ना, बोलो. अरे लेकिन शेम ऑन यू गोपाल, शेम ऑन यू. अरे शट अप. अब जो मैं बोलूंगा वो तुम सुनोगी. सर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है सर. कल से मैं ठीक से काम करूंगी. एकता, अरे एकता, बताइए
सरप्राइज देने आई थी, सरप्राइज लेके जा रही हैं। 100% जायज आपका गुस्सा, लेकिन इतने नालायक नहीं अपने गोपाल सर। मैं बता रहा हूँ ना, जहाँ कुड़ी देखी वहीं पुड़ी बांधना चालू। भाभी जी देवता हैं दिल के, टोटल देवता हैं दिल के, कभी किसी को बुरी नज़र से नहीं देखते, जब भी देखते हैं पूरी नज़र से देखते हैं। तकदीर वाली हैं आप, हीरा पाया है हीरा, लेकिन ये बेवकूफ लोग ठरकी का टाइटल दे रखा जी, गोपाल ठरकी। देखिए ना कनुप्रिया का मैसेज, ठरकी गोपाल नहीं। भाभी जी, भाभी जी, ये गलत है सर। आप शादीशुदा हो, मेरी भी मंगनी हो चुकी है। आपका और मेरा रिश्ता सिर्फ बॉस और सेक्रेटरी का हो सकता है। रिश्ते बनाए नहीं जाते, बन जाते। माना कि मैं शादीशुदा हूं शिंगा, लेकिन मेरी सांसें हमेशा तुम्हारी वजह से चलती। लेकिन सर, एक सेक्रेटरी के साथ? तुम मेरी ऐसी वैसी सेक्रेटरी नहीं हो, पर्सनल सेक्रेटरी हो, पर्सनल। गोपाल की गाड़ी? हाँ, ये तो गोपाल की है। अरे ये तो गोपाल की गाड़ी लग रही है। गोपाल की गाड़ी। एंड यू नो द डिफरेंस बिटवीन सेक्रेटरी एंड पर्सनल सेक्रेटरी? नो सर। सेक्रेटरी सेज गुड मॉर्निंग सर, एंड पर्सनल सेक्रेटरी सेज इट्स मॉर्निंग सर। लेकिन सर मेरा मंगेतर वो गया तेल लेने। ओके, और आपकी बीवी? वो इस वक्त किसी इडियट बॉक्स के सामने बैठकर कोई इडियट सीरियल देख रही होगी। वो भी गई तेल लेने। For exclusive classic movies, download Shimaru Me app now.